आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में गिवन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इक्वल टू जीरो या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो देखो, जो हमारा डेल्टा जी है वो इक्वल होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के, और डेल्टा जी हमारी क्या होती है, एक फ्री एनर्जी जो हमारा वर्क डन होता है नॉन एक्सपेंशन वाला, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो एनर्जी की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, एक तरीके से पॉजिटिव भी हो सकती है, एक तरीके से नेगेटिव भी हो सकती है। तो आपको पता है यूनिवर्स का हर सिस्टम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करता है वो, जब वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है या लूज कर देता है, ठीक है ना। जैसे आप किसी सब्सटेंस को आप ऊपर हवा में फेंकते हैं तो उसकी टेंडेंसी होती है ग्राउंड पर फॉल होने की, क्यों, क्योंकि इस स्टेज पे उसने हाइट अटेन करने की वजह से, एमजीएच में हाइट अटेन करने की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और जैसे ही वो ग्राउंड पे आता है हाइट जीरो होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। तो उसको स्टेबिलिटी कहाँ मिलती है, ग्राउंड पे आके, कैसे, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी को लूज किया। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे किसी भी सिस्टम में जिसकी जितनी कम एनर्जी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, और उतना ही ज्यादा वो प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या, अगर हमारा डेल्टा जी की वैल्यू होगी नेगेटिव तो वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, स्टेबल और स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव गिवन है पार्ट बी में, तो इस क्वेश्चन का मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।